मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हैं सबसे फिट सूबेदार। ड्यूटी के साथ फिटनेस पर देते हैं विशेष ध्यान। बुरहानपुर जिले में यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार मध्य प्रदेश के सबसे फिट सूबेदारों में से एक है, जो अपनी ड्यूटी के साथ फिटनेस पर भी विशेष रूप से ध्यान देते हैं। 35 साल की उम्र में मध्य प्रदेश में उन्होंने सबसे फिट सूबेदार के रूप में जाना जाता है। वे युवाओं को भी अपनी फिटनेस को लेकर जानकारी देते हैं ताकि युवा नशे की लत में नहीं पड़े। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार को कलेक्टर, एसपी और सामाजिक संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है। वह अपने कार्य के साथ फिटनेस पर भी विशेष ध्यान देते हैं और 1 घंटा एक्सरसाइज कर अपने आप को फिट रखते हैं। यातायात सूबेदार हेमंत का कहना है कि उन्हें फिटनेस को लेकर उनके पिता से प्रेरणा मिली है। उनके पिता भी एक्सरसाइज करते थे, जिसको लेकर अब वह भी अपने आप को फिट रखने के लिए 13 साल की उम्र से एक्सरसाइज कर रहे हैं। वह स्नान करना अपने जीवन में जितना जरूरी समझते हैं, उतना ही जरूरी एक्सरसाइज करना भी मान रहे हैं। हेमंत का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में पाटीदार परिवार में 29 फरवरी 1988 को हुआ। हेमंत पाटीदार ड्यूटी के साथ जिले के युवाओं को नशे से दूर रहने की समझाइश भी देते हैं। वह फिटनेस के प्रति युवाओं को जागरूक भी करते हैं और युवा उनसे प्रेरणा लेकर अब खुद अपनी फिटनेस की ओर ध्यान दे रहे हैं। वह पुलिस विभाग में फिटनेस के लिए आइकॉन भी हैं। जिले के लोग यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार को फिटनेस वाले सूबेदार के नाम से भी जानते हैं। वह नशे में सड़कों पर बाइक चलाने वालों पर विशेष रूप से अभियान चलाकर भी कार्रवाई करते हैं ताकि युवाओं को नशे से दूर किया जा सके। गौरतलब है कि वरिष्ठ अफसर भी उनकी इस फिटनेस को लेकर उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। फिट सूबेदार में गिने जाते हो, कैसी आपको प्रेरणा मिली थी और आप कैसा एक्सरसाइज करते हो पूरा? बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है कि पापा भी एक्सरसाइज करते थे, तो मैं जब बहुत छोटा था तभी उन्हीं से इंस्पायर होकर वर्कआउट करना मैंने शुरू कर दिया था। लगभग 22 से 23 साल से मैं कंटिन्यू वर्कआउट कर रहा हूँ, रोज़ जिम जाता हूँ। मेरे लिए जिम जाना नहाने जितना इम्पोर्टेंट है, तो इंस्पिरेशन लगातार जब आप जिम जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको देख के आपको मोटिवेशन मिलता है। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसा कुछ करते हैं जो आप नहीं कर पाते, और जिससे मन में इच्छा जागृत होती है कि मैं भी ऐसा करके दिखाऊं या कुछ बेहतर से बेहतर करके दिखाऊं। दूसरा इम्पोर्टेंट ये भी है कि सर्वविदित है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो शरीर का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि एक दिन में कम से कम 1 घंटा हमें हमारे शरीर के लिए निकालना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इसी का अनुपालन करता हूँ और रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ। खाने पीने का ध्यान रखता हूँ, शरीर के लिए क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद है खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, इसका बैलेंस ही इसका मूल तंत्र है। और बाकी इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप वर्दी पहनते हैं और जब आपका शरीर हष्ट पुष्ट होता है तो एक आत्मविश्वास भी मिलता है, जिससे काम करने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। देखा, कहीं ना कहीं आपकी जो नौकरी होती है बड़ी डिफिकल्ट होती है, कभी भी समय पर आना पड़ता है, उसमें कैसा समय निकाल लेते हैं आप? टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है। सुबह जल्दी एक ऐसा समय होता है जब शहर में कोई विशेष ऐसा काम होता नहीं है, बार त्योहारों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन मैं अपनी आलस की वजह से कभी भी जिम नहीं छोड़ता हूँ। तो ये किया जा सकता है, पुलिस में रह के भी किया जा सकता है। सुबह ऐसा कोई बहुत ज़्यादा विशेष काम नहीं रहता है, अर्ली मॉर्निंग आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, या अगर आपकी कोई शिफ्ट ऐसी लगी हुई है कि आप सुबह शिफ्ट में काम किए हैं किसी दिन, तो उस दिन आप शाम को भी 1 घंटा जाके अगर वर्कआउट करें तो उसमें कोई परेशानी नहीं। अब युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहूँगा? युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ आप जो भी खाते हैं, चाहे आप बादाम खाते हैं या फिर आप चाय पीते हैं, दोनों अपना अपना काम आपके शरीर में करती है, इसलिए आपको सही चुनना है और सही खाना है। क्या जिम को लेकर भी क्या कहना चाहूँगे? जिम को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि रेगुलर आपकी मसल्स का जो आप यूज़ करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, और धीरे धीरे उसकी क्षमताओं को जब आप बढ़ाते हैं तो आपके शरीर में एक ताकत का एहसास भी होता है और आपका जो है आत्मविश्वास भी बढ़ता है, इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए रेगुलर जिम जाना चाहिए।